दोस्तों शेरों को एक साथ रहने के लिए जाना जाता है, किंतु आमतौर पर शेरों के एक झुंड जिसे प्राइड कहा जाता है में एक ही जवान नर शेर होता है। प्राइड में बाकी के सदस्य या तो मादाओं के रूप में रहते हैं या फिर छोटे शावकों के रूप में। प्राइड का मुखिया यानी जवान शेर जब ये महसूस करता है कि कोई नर शावक बड़ा और तगड़ा होने वाला है और आगे चलकर ये नर शावक उसके लिए चुनौती पेश कर सकता है, तो ऐसे समय में मुखिया शेर उस युवा होते शावक पर हमला कर देता है ताकि वो शावक झुंड छोड़कर भाग जाए और मुखिया के लिए कोई चुनौती पेश ना कर सके। कई बार इस तरह से भगाए गए शावकों की संख्या एक से अधिक भी होती है। प्राइड से खदेड़े गए ये शावक समझ ही नहीं पाते कि आखिर उन्हें किस बात की सजा दी गई है। उनकी बहनें जो कभी उनके साथ खेलती थी आज भी उसी प्राइड का हिस्सा है, किंतु खुद उन्हें बिना किसी वजह के बाहर निकाल फेंका गया है। ऐसा समय इन शावकों या कहिए युवा हो रहे शेरों के लिए बड़ा ही कठिन होता है। अकेले रहने के कारण इनमें से अधिकतर मारे जाते हैं और जो जिंदा बचते हैं उनके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो किसी अन्य प्राइड पर हमला करके उस प्राइड को कब्जा लेना या फिर उम्र भर अकेले रहना। अधिकतर जिंदा बचे शावक पहला तरीका ही अपनाते हैं, किंतु कुछ युवा दूसरे तरीके की ओर भी चले जाते हैं। प्राइड से भगाए जाने पर इनके मन पर गहरा असर पड़ता है। एक परिवार में रहने से अब इन्हें डर लगने लगता है क्योंकि अपने ही पिता द्वारा भगाए जाने के कारण इनका भरोसा परिवार से उठ जाता है। ऐसे में खदेड़े गए ये युवा शेर किसी प्राइड पर भरोसा ना करते हुए खुद ही एक साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं और फिर जन्म लेते हैं जंगल के सबसे खूंखार शिकारी। एक साथ रहने वाले नर भाइयों के बीच भाईचारा और दोस्ती बेहद गहरा जाती है। एक साथ मिलकर रहने वाले ऐसे नरों के खौफ से न सिर्फ जंगली जानवर बल्कि इंसान भी दहशत खाते हैं। आज के वीडियो में आप अकेले अपना जीवन जीने वाले साव नदी के दो खूंखार शेर भाइयों के बारे में ही जानेंगे। इन शेर भाइयों ने न सिर्फ अपने इलाके में घास चरने वाले जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया था बल्कि इन्होंने कम से कम 135 इंसानों को भी मार डाला था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आमतौर पर शेर की लंबाई 7 फीट, ऊंचाई 4 फीट और वजन 180 से 200 किलोग्राम तक ही होता है, किंतु आज से करीब 125 वर्ष पहले केन्या और युगांडा के घने जंगलों के बीच से बहती साव नदी पर दो शेर भाई रहा करते थे जिनका वजन 250 किलोग्राम से अधिक, ऊंचाई 5 फीट से अधिक और लंबाई 9.5 फीट से भी अधिक थी। इतनी विशाल कद काठे के शेर बेहद ही कम दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों शेर भाई सदैव एक साथ रहते थे। ये भैंसों से लेकर हाथियों तक पर हमला करते हुए देखे गए थे, लेकिन इन शेर भाइयों को ख्याति तब मिली जब इन्होंने एक के बाद एक इंसानों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और इन शेर भाइयों की ख्याति तब प्रसिद्धि में बदल गई जब इन्हें मारने गए शिकारी भी हाथों में ली गई बंदूक को सर पर रखकर भाग गए। शिकारियों ने कहा कि वो शेर नहीं बल्कि कोई अलग ही प्रजाति के जानवर हैं या फिर वो शेरों के भूत हैं। जो भी शिकारी साव नदी के इन शेर भाइयों को देख लेता था उस शिकारी को फिर रातों को नींद नहीं आती थी। असल में शेरों को उनकी विशाल आयल के लिए जाना जाता है। जो शेर जितना तगड़ा होता है उसकी आयल उतनी ही घनी और लहलहाती हुई दिखाई देती है, किंतु साव नदी के इन शेरों के पास आयल ही नहीं थी बल्कि बेहद तगड़े होने के बावजूद भी इन शेरों के चेहरे शेरनियों की भांति ही दिखाई पड़ते थे। वर्ष 1898 में केन्या के जंगलों में साव नदी पर एक पुल बनाने का कार्य शुरू किया गया। यह पुल वास्तव में एक रेलवे ब्रिज था जिसका जल्द से जल्द निर्माण अंग्रेज सरकार करना चाहती थी। इस निर्माण कार्य के लिए भारत सहित दुनिया भर से मजदूर बुलाए गए थे। जैसे ही काम शुरू हुआ उसके दो दिन बाद ही खबर फैल गई कि जंगल से आए दो शेर एक मजदूर को उठा ले गए हैं। केन्या में जंगली जानवरों के हमलों की घटना उन दिनों बड़ी ही आम बात हुआ करती थी, इसलिए किसी ने इस घटना पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बस यही फरमान आया कि सब लोग एक साथ रहो, अकेले जंगल की तरफ मत जाना और अपना काम करते रहो। किंतु शेरों द्वारा मजदूरों को मार डालने की घटना हर दूसरे या तीसरे दिन सामने आने लगी। ऐसे में मजदूर नाराज हो गए और उन्होंने कार्य करने से साफ मना कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत को भी लगा कि कोई आदमखोर शेर मजदूरों के टेंट के आसपास ठिकाना बनाए हुए है, इसलिए इन आदमखोरों का निपटारा आवश्यक है। तुरंत 3 बंदूकधारी शिकारियों को कैंपों की रखवाली का कार्य दे दिया गया। इन शिकारियों को आदेश था कि किसी भी शेर को देखते ही गोली मार देनी है। शिकारियों का साथ पाकर मजदूर बड़े खुश थे, इसलिए काम फिर से शुरू हो गया। किंतु उस रात फिर से आदमखोर शेरों ने एक साथ ही 2 मजदूरों को मार डाला। एक शेर शिकारियों के ठीक सामने से मजदूर को घसीट ले गया।
शिकारी ने बंदूक से निशाना साधा, किंतु शेर को देखकर शिकारी के पसीने छूट गए। सुर्ख गहरा रंग, अंधेरे में दीपक की भांति चमचमाती आंखें और बेहद ही विशाल कदकाठी के बावजूद भी इस शेर के चेहरे पर कोई बाल नहीं था। शिकारी ने इतना विशाल शेर अपने जीवन में पहली बार देखा था। ये शेर एक इंसान को उठाकर इतनी तेजी से भागा जा रहा था मानो कोई बच्चा खिलौने को उठाए चला जा रहा हो। जब इन शेरों की विशाल कदकाठी, तेजी और खूंखार रंग रूप के बारे में शिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को बताया तो अंग्रेज भी समझ गए कि उनका पाला काफी मजबूत दुश्मन से है। उधर दूसरी तरफ मजदूर काम छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे। ऐसे में रेलवे पुल का काम देख रहे कर्नल पीटरसन ने ठान ली कि पहले शेरों का काम तमाम किया जाएगा, उसके बाद ही पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा। दोस्तों, अब जंग का बिगुल दोनों ओर से ही बज चुका था। इस बार बेहतर बंदूकों के साथ अंग्रेज शिकारियों को बुलाया गया। खुद कर्नल पीटरसन भी हाथों में बंदूक लेकर अपने पुराने फौजी वाले अंदाज में आ चुके थे। अब शेरों के पंजों आदि के निशानों का लगातार पीछा किया जाने लगा। जो शेर दिखाई दिया जाता उसे मार दिया जाता, किंतु इसके बावजूद भी शेरों द्वारा इंसानों पर हमले जारी थे। जाहिर है आदमखोर अभी भी पकड़ से बाहर खुलेआम घूम रहे थे। दिन बीतते गए, महीने भी बीतने लगे। अब ये आदमखोर प्रतिदिन हमला करते, एक के बाद एक इन आदमखोरों ने 135 मजदूरों को मार डाला और पकड़ में नहीं आए। ये आदमखोर आंधी की तरह आते, पलक झपकते ही शिकार करते और तूफान की भांति गायब भी हो जाते। वहीं अंग्रेजी सरकार और कर्नल पीटरसन परेशान होकर अपने बाल नोचते रहते। दोस्तों, एक रोज कर्नल पीटरसन जंगल में शेरों के पंजों के निशानों का पीछा कर रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में से सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने बंदूक का निशाना साधा, तभी झाड़ियों में से एक विशाल शेर निकला। इस शेर को देखते ही कर्नल साहब समझ गए कि ये वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। अचानक से शेर के ठीक पीछे से इसका दूसरा भाई भी निकल आया। बिना आयल के ये शेर साक्षात काल का ही रूप लग रहे थे। कर्नल को भी लगा कि ये शेर नहीं बल्कि कोई अन्य जानवर है। वहीं कर्नल को देखकर इन दोनों शेरों ने जोर से दहाड़ मारकर अपने शेर होने का सबूत पेश किया। दहाड़ इतनी जोरों से थी कि पेड़ों से पत्ते भी नीचे गिरने लगे। कर्नल साहब के कानों में तो मानो कोई विस्फोट ही हो गया हो। हाथ में बंदूक होने के बावजूद भी वो निशाना नहीं लगा पाए। उन्होंने गोली चलाई, एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, किंतु घबराहट के मारे एक फौजी कर्नल का निशाना भी चूक गया और दोनों शेर भाई कर्नल की आंखों से ओझल हो गए। कर्नल पीटरसन समझ गए कि इन शेरों का शिकार बड़ा ही मुश्किल कार्य है, लेकिन इनका शिकार हर हाल में ही करना होगा। इसलिए बजाय अब शेरों का पीछा करने के, उन्होंने दिसंबर की सर्दियों में जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर अपने सिपाहियों के साथ मिलकर एक मचान बनाया। अब इसी मचान पर कर्नल साहब और उनके सिपाही अपनी पूरी रात गुजारने लगे। किस्मत ने साथ दिया, करीब 3 दिन बाद ही रात्रि को लगभग 3 बजे दोनों आदमखोर शेर भाई इस मचान के ठीक नीचे से गुजरे। कर्नल साहब इस मौके को चूकना नहीं चाहते थे। आनन फानन में उन्होंने और उनके सिपाहियों ने मचान से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। एक गोली पीछे चल रहे एक शेर भाई के सीधे सीने में जा धसी और वो वहीं मारा गया। हालांकि दूसरा शेर घने अंधेरे में भाग निकला। कर्नल पीटरसन को लगा कि अब शायद वो दूसरा शेर भी डर के मारे कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन जो उन्होंने सोचा था हुआ ठीक उससे उल्टा। अपने भाई की मौत के कारण दूसरा आदमखोर शेर मानो पागल ही हो गया था। अब ये शेर न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी इंसानों पर हमला करने लगा। अब तक आदमखोर भाई सिर्फ भूख लगने पर ही इंसानों पर हमला करते थे, किंतु अकेला बचा ये शेर बिना भूख के भी इंसानों पर हमला करता और उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता। उधर कर्नल साहब भी अपने सिपाहियों को साथ लिए रात दिन इस आदमखोर का पीछा करते। एक रोज इस आदमखोर ने कर्नल के एक शिकारी साथी और बचपन के दोस्त को ही मार डाला। हालांकि कर्नल साहब के दोस्त ने मरने से पहले एक गोली आदमखोर को मारने में सफलता प्राप्त की। अपने दोस्त के शव पर आंसू बहाने की बजाय कर्नल साहब ने पहले बदला लेने का ही इरादा बनाया। चूंकि शेर जख्मी था इसलिए शेर के पंजों के निशानों के साथ साथ खून के धब्बे भी मौजूद थे। कर्नल साहब ने इन्हीं धब्बों का पीछा किया और जल्द ही इस दूसरे आदमखोर शेर तक वो जा पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर से जंगल गोलियों की आवाज से गूंज गया और साव नदी के उस दूसरे खूंखार आदमखोर शेर का भी अंत हुआ। ये शेर इतना भारी था कि इसे जंगल से उठाकर कैंप तक लाने के लिए 10 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। खैर, उस दिन साव नदी के इलाके को खौफ का इलाका बना देने वाले आदमखोर शेरों का आतंक खत्म हो गया, इसलिए सबने चैन की सांस अवश्य ली। दोस्तों, किसी भी शिकारी जानवर के आदमखोर बनने की कोई न कोई वजह अवश्य होती है। आखिर साव नदी के ये शेर आदमखोर क्यों बने, इस बारे में भी उस समय के जीव विज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट में पता चला कि साव नदी के उन शेरों को आदमखोर बनाने में इंसानों की ही गलती थी। असल में उन दिनों केन्या और आसपास के कई देशों में प्लेग नामक खूंखार बीमारी फैली हुई थी, और जैसे ही किसी इंसान की मृत्यु प्लेग के कारण होती तो
परिवार के लोगों द्वारा क्रियाकर्म करने की बजाय उस मर चुके इंसान को जंगल में फेंक दिया जाता, क्योंकि केन्या के आसपास ऐसी मान्यता बन चुकी थी कि प्लेग के कारण परिवार के मर चुके सदस्य को जंगल में फेंक देने से बाकी के जीवित बचे सदस्यों को प्लेग छूता तक नहीं है। इसी अंधविश्वास की वजह से बीमार होकर मरने वाले इंसानों को लगातार जंगल में फेंका जाता रहा और शेरों द्वारा ऐसे इंसानों को खा लिया जाता। उन दो आदमखोर शेर भाइयों को भी इसी कारण से इंसानी मांस का शौक लगा। पहले उन्हें मुफ्त में इंसानी मांस मिलता रहा और जब यह मुफ्त का मांस मिलना बंद हो गया तो उन शेर भाइयों ने इंसानों पर हमला करना ही शुरू कर दिया। वैसे भले ही आज साव नदी के उन खूंखार शेरों का अस्तित्व हमारे बीच में नहीं है, किंतु आज भी उन शेरों की हड्डियों और खाल को शिकागो के एक म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। आखिर साव नदी के वो शेर दुनिया के सबसे विशालकाय आदमखोर शेर जो थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।